मेरी गाड़ी में तो फ्यूल पूरा है, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए और आपको एक जियो टैगिंग देने के लिए जा रहा हूँ फ्यूल पंप पे, तो आपको थोड़ा सा पता लग जाए इन केस अगर आप आ रहे हैं तो। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, मैं अब वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद आपको डीजल या पेट्रोल के लिए काजा ही ऑप्शन है। सो दिस इज़ द पेट्रोल पंप, सामने आप देख रहे हैं, आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि लाइन लगी हुई है। एक और मकसद ये भी था दिखाने का कि जिस तरह हमने पावरी के अंदर डलवाया वहाँ पे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, तो बेटर ये है कि आप पावरी से डलवा लो क्योंकि यहाँ से आपको दिक्कत आएगी। ये देखिए, मैं आपको जाते हुए दिखा रहा था ना, अब आपको डेप्थ से पता चल जाएगा कि इंक्लाइन कितना है। बाकी है कि अगर ब्लैक आइस हो तो ही प्रॉब्लम आएगी, वैसे कोई इशू नहीं है। वो कहते हैं ना कि जितनी मंजिल खूबसूरत होती है कई बार उससे ज़्यादा खूबसूरत होता है रास्ता। तो यहाँ पे हमें रास्ते में देखने को मिला है ब्यूटीफुल सा झरना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। वाह, स्पीति वैली के अगर आपको फील की बात करूँ तो स्पीति वैली में आप जिस सड़क पे होते हैं उसके चारों तरफ ऊंचे ऊंचे माउंटेन है, यानी कि आप बिल्कुल बीच से चलोगे माउंटेन्स के। इस झरने के तुरंत बाद ही मुरंग की जो सीमा है वो शुरू हो गई है, और अब आएगा आगे मुरंग, फिर अरे पत्थर, सड़क देखिए, सड़क के ऊपर आपको जगह जगह पत्थर गिरे दिखाई देंगे। लिखा भी हुआ है कि आप जगह जगह ना रुके, पत्थर गिरने की संभावना है। ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल प्लेस आपको जगह जगह दिखाई देंगे। सच बात बताऊं तो आज मुझे अगर टैबो की जल्दी नहीं होती पहुंचने की तो मैं बहुत सारे शॉट्स और लेता, बट वही है कि आप कितने शॉट लोगे, हर एक जगह ही खूबसूरत दिखाई दे रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, स्पीलो ही है और ये भी एक छोटा सा टाउन है, इन रोड स्पीति। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे स्टे फैसिलिटी मिल जाएंगी, क्योंकि सिर्फ अंदाज़ा लगा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टूरिस्ट की गाड़ियों को यहाँ पे खड़ा देखा है, बाकी होम स्टे के ऊपर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, होगा ज़रूर वैसे यहाँ पे। स्पीलो से आगे निकलते ही आपको दिखाई देगा श्रीमती ढांग माता मंदिर, बहुत मान्यता है यहाँ की, जो लोकल्स हैं वो तो यहाँ पे रुकते हैं या हॉर्न दे के, यानी कि किसी ना किसी तरह अपना रिगार्ड पे करके ज़रूर निकलते हैं यहाँ से। मौसम पल पर करवट बदल रहा है, अभी अभी देखिए मैं ब्लॉग कर रहा था तो आंखों में धूप लग रही थी और अब बादल आ गए, तो कुछ नहीं पता चल रहा कि कभी धूप आ रही है और कभी बादल हो रहे हैं। चलिए, लुक एट द ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माउंटेन्स। अब जो वाइट कलर है ना वो प्रोमिनेंट होने लगा है, इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन हैं और बर्फ डली हुई है सब पे।
ये मेरे लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है कि अभी फ़िलहाल मैं हूँ पू में, और पू में भी पेट्रोल पंप अवेलेबल है। ये भैया पहले तो नहीं था ना पेट्रोल पंप? पहले नहीं था सर। कब से खुला है ये? ये हो गया 14 नवंबर से। 14 नवंबर इसी साल? हाँ जी, हाँ जी, इसी साल। तो अब रिकोंगपियो के बाद पू में भी है? हाँ जी, हाँ जी, रिकोंगपियो के बाद पू में, पू के बाद सीधा काजा। काजा तो अपने अवेलेबिलिटी पूरी रहती है इधर? कैसे? डीजल पेट्रोल की? हाँ जी, हाँ जी, पूरा रहती है। ठीक। लुक एट द वाइट ब्यूटी, वाओ। ये सीजन की पहली जो स्नोफॉल हुई है वो देख रहे हैं आप, ब्यूटीफुल। तो जी ये है ख्वाब संगम, यहाँ पे रुकते हैं 10 मिनट, आपको दिखाते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये क्यों फेमस है ख्वाब संगम? ये इसलिए फेमस है सर कि यहाँ पर 2 नदियाँ मिलती है सबसे पहले तो सर। अच्छा। और यहाँ पर 3 दिशाएँ, 3 हवाएँ, 3 लोग। अच्छा। इस पॉइंट पे मिलते हैं सर, आप यहाँ से आएंगे, यहाँ कोई यहाँ से आएगा, कोई वहाँ से आएंगे। तो सर मैं वो खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं उन 3 लोगों से मिल रहा हूँ पर यहाँ पर। ये है सतलुज और वो जो उधर से आ रही है वहाँ आगे से, शायद इसके अंदर GoPro के अंदर वाइड एंगल में आपको दिखना रहा हो, वो आ रही है वहाँ से पहाड़ के पास से, वो है स्पीति रिवर। और संगम के बाद यहाँ से बन जाएगी स्पीति रिवर, आगे जाएगी। यहाँ पे रुकने का भी है, रुक भी सकते हैं। टाइम हो गया अभी 3:33, यानी कि 3:30। और यहाँ देखिए सामने आपको दिखाई दे रहा होगा नाको के लिए जो चढ़ाई है वो जा रही है सड़क, हेयरपिन बैंड्स हैं। तो अभी का सीन क्या है कि अभी नाको की चढ़ाई के लिए भी ये देखिए स्पीड मैंने मेंटेन की हुई है लगभग 40 के आसपास की, और गियर है 3rd। और इसी गियर के अंदर ये देखिए ये मैंने बैंड लिया और गियर मैंने छेड़ा भी नहीं। गुरखा डाउन गई थी 20 पे और इसी गियर के अंदर फिर वापस, ये अब वापस आ गई है 50 पे। तो ये मेरे को सबसे अच्छी बात लगती है इस गाड़ी की कि आपको बार बार गियर शिफ्ट की जरूरत नहीं है। लाइक वाइज अब बैंड आएगा, आप ये देखिए इधर गियर के पास मैंने कोई गियर नहीं छेड़ा है और ऊपर आके इंक्लाइन भी है। और अभी गुरखा देखिए मेरे को दिखाना, अभी देखिए गुरखा 30 पे है और मैं कोई गियर शिफ्ट नहीं कर रहा। और अभी देखना ये इसी को ही पिक कर लेगी, ये देखिए ब्यूटीफुल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग व्हीकल है, मुझे बड़ा पसंद है इस मामले में। जी थोड़ी थोड़ी स्नो की शुरुआत हो गई है, आई थिंक जो कल स्नोफॉल हुआ था उसके बचे हुए ट्रेसेस हैं ये। हम पहुंचने वाले अभी का, अभी हमने क्रॉस किया है ख्वाब, नाको रह गए हैं उसे 14 किलोमीटर। और ये मुझे पता नहीं भाई, किसी को अगर आप में से पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट के फ्लैग क्यों लगाए हुए हैं नाको से 14 किलोमीटर पहले अगर आप ख्वाब की तरफ से आ रहे हैं तो। ये देखिए सड़क के ऊपर स्नो वाइट कलर की, क्योंकि शायद यहाँ पे धूप नहीं पड़ती तो दैट्स व्हाई अभी भी स्नो है सड़क पे। ओ हो, लुक एट दैट, सामने देखिए ब्यूटी ब्यूटी।
सो वी आर एट नाको और यहाँ का एल्टीट्यूड है लगभग 12,000 समथिंग फीट है, 12,500 पता नहीं इतने के आसपास ही है। तो अभी ऑक्सीमीटर से हमने ऑक्सीजन देखी है तो आया है 92 और पल्स रेट 107। तो आई डोंट नो इट इज़ नॉर्मल और नॉट, बाकी कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ एक शॉप्स हैं, चलिए आपको शॉप्स दिखा देते हैं, मैं भी देख लेता हूँ, काफ़ी टाइम बाद आया। टोपियाँ वगैरह हैं यहाँ पे, चलिए क्या क्या है जी यहाँ पे, सर्दियों के कपड़े हैं ज्यादातर है ना, सर्दियों की है, जुराब दस्ताना, जुराब दस्ताने, बिस्किट होगी, मैगी, साबुन, जरूरत का सामान भी है, जैकेटें वगैरह भी हैं, हैं? अगर इनके साथ घर भूल जाएं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ये क्या चीज है, ये घुटने और उसमें पहनने का क्या? अच्छा कितने का होगा ये? 380। क्या हुआ मुझे? वहाँ पे है वेलकम टू सोमांग ढाबा, चाय वाय की इच्छा नहीं यार, स्टिकर मैं रखता नहीं जो यहाँ पे लगाऊंगा। तो चलिए चलते हैं अब नाको लेक।